हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन. मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तान्स फर्स्ट एचडी स्पोर्ट्स चैनल एंड आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9. और सूरत हाल दोस्तों इस तरीके से है कि आज एक और बड़ा दिन है. आज सुपर सैटरडे है द एचबीएल पीएसएल 9. वी हैव गॉट टू गेम्स इन स्टोर फॉर यू एंड वी आर गोना टॉक अबाउट दैट. बट बिफोर दैट आई एम गोना ब्रिंग इट टू द स्टूडियो माय फर्स्ट माय गेस्ट दैट आई हैव, फोर फैंटास्टिक क्रिकेटिंग माइंड्स, फोर फॉर्मर कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, फोर आउटस्टैंडिंग gentlemen. First up, I've got Azhar Ali. With him, Professor Muhammad Hafeez. With that, Captain Misbahul Haq. And finally, dosto, what can I say? I'm speechless like always. Rather, I have a lot of words to say about this gentleman, but I would stay speechless this time. Karachi Kings ke president hai, Wasim Akram. Good morning. Assalamu alaikum and welcome, Wasim. Good morning. Assalamu alaikum, everyone. Kya haal hai sabka? I hope sabka weekend acha ja raha ho. Toh ek dafa aur keh dete. Karachi Kings ke president hai, Wasim Akram. All right, gentlemen, welcome, welcome. Hope you're all rested. Aap sab ne aaram kiya kal ka din, acha guzra hoga. Golf khelia aapne ki nahi khelia kal? Nahi, kal bahut barish thi. Bahut barish thi. Barish mein golf hi kheli jati? Thoda mushkil. थोड़ा सा मुश्किल होता है. ऑलराइट अज़र, आप अज़र तो रेडिंग लग रहा है. मैं तो इतना फ्रेश हूँ कि जिसका हिसाब को लग रहा है, लग रहा है, लग रहा. भाभी आ गई है ना लाहौर से, इसलिए इतना फ्रेश लग रहा है भाई. यू हैड टू ट्रैवल टू लाहौर. ओह हां, यू वेंट फॉर अ डेज ट्रिप टू लाहौर. और भाभी को लेकर आए वहां से. क्या बात है, ऐसे उन्होंने आना नहीं था ना, मैं लेके आया. मना के लिए हमें अंदाजा है, हमें अंदाजा है. वसीम भाई ने फोन उठाया ना, इसका फोन उठाया और रोला हो गया. उसको मना के लिए गया, बनाने के लिए गया. मुझे ना अभी तक कवर नहीं हो रहा. मुझे शरीरा का मैसेज आया आफ्टर दैट video we made behind the scenes. She messaged me, who's the begum? She only understood the begum bit on the phone. Aage dono paase lag gayi, aage dono paase lag gayi. Dekhiye, sometimes tusi aage lande te wapas bhi de aa sakde. Absolutely. Who would know that better than you? मैं तो आग के बीच में, मैं तो शिकार हुआ ना, मैं तो शिकार हूँ. चलो कोई नहीं, अभी शोर रहने देते. जो लोग हमसे शिकायत कहते हैं कि हम अज़र को बोलने नहीं देते, बोल रहे हैं अज़र. बोल रहे हैं और कुछ अज़र? उसी टाइम बोलने दिए जब बिल्कुल फंसा दिए. ओके, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ द एचबीएल पीएसएल 9. दोस्तों कल का दिन ऑफ था एचबीएल पीएसएल 9 में, और उससे पहले जो आखिरी दिन हमारा गुजरा, दैट वॉज एन इंपॉर्टेंट गेम बिटवीन कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन अ ग्रेट मैच वी सॉ. ये जरा मैच समरी पे नजर डाल देते हैं. दिस वॉज द लास्ट मैच डे बिफोर यस्टरडे. कराची नेशनल स्टेडियम से हमने बराह रास्त आपकी खदमत पेश किया. कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे. विंस की शानदार इनिंग्स थी 37 रन की. अनवर अली का एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन डाउन दी ऑर्डर 25-14 गेंदों के ऊपर. ग्रेट बॉलिंग बाय इब्रार, उन्होंने 3 विकेट उठाई 31 रन देकर. तारिक ने 2 for 16 एंड तारिक हैज बीन क्वाइट अ डिस्कवरी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम. एंड अकील हुसैन देयर 2 for 34, वसीम जूनियर 1 for 46, द मोस्ट एक्सपेंसिव वन आउट देयर. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जवाब में आखिरी बॉल तक ये मैच चलता रहा. 169 ऑफ 5 विकेट्स. रदरफोर्ड की एक बहुत ही शानदार इनिंग्स थी 58 ऑफ 31. दैट वॉज द मैच विनिंग इनिंग्स, दैट वॉज द इनिंग्स दैट मेड द डिफरेंस. बट जेसन रॉय अप टॉप हैड गिवन अ गुड स्टार्ट टू ग्लैडिएटर्स विद दैट 52 ऑफ 31 डिलीवरीज एज वेल. शकील साउथ शकील अगेन 24 रन बनाए 20 खिलाड़ियों पे. नकीर हुसैन 22-17 गेंदों पे, खिलाड़ियों पे कह दिया, 24 रन बनाए 20 गेंदों पे, माजरत के साथ. जायद देयर पिकिंग अप 2 विकेट्स फॉर 17 रन 4 ओवर्स. हसन अली 2 for 39 and 4 एंड शुएब मलिक 1 for 19 for 3. क्वेटा ग्लैडिएटर्स विनिंग दिस वन बाय 5 विकेट्स. ये था जनाब मैच आपका जो पिछला मैच था. आइए जरा नजर डाल लेते हैं पॉइंट टेबल के ऊपर. पॉइंट टेबल के ऊपर सूरत हाल कुछ इस तरीके से आपके सामने. मुल्तान सुल्तान्स बदस्तूर बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे 10 पॉइंट्स के साथ. 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 हारा है और 1.154 नेट रन रेट है. लुकिंग रियली रियली गुड. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ट्रेलिंग राइट बिहाइंड देम एट नंबर 2. 5 मैचेस प्लेड, 4-1, 1 लॉस्ट एंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पे. पेशावर जुल्मी ने 5 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पे. इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे. नेट रन रेट इनका बेहतर है. कराची किंग्स ने भी 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ, मगर नेट रन रेट नेगेटिव में है, इसलिए ये 5वीं पोजीशन पे है. और लाहौर कलंदर्स ने जबरदस्त कलंदरी परफॉर्मेंस देते हुए 6 मैचेस खेल के 6 के 6 हारे हैं और मनफी में इनका नेट रन रेट भी है. याद रहे कि टॉप की 4 टीमें प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी. एंड दैट्स हाउ द एचबीएल पीएसएल 9 पॉइंट्स टेबल इज दिस मॉर्निंग.
तो ये जनाब सूरत हाल है. वसीम, इट्स बीन अ ग्रेट एचबीएल पीएसएल, सम वेरी क्लोज गेम्स. इनफैक्ट लॉट 5-6 दिन लगातार जो है हमने बड़े क्लोज मैचेस देखे, इंक्लूडिंग द लास्ट वन बिटवीन कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स. या वेरी गुड गेम, गुड क्रिकेट. और आई थिंक लाहौर की आपने बात की कि 6-6 मैच आ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी बैड लक मिली है, 6 में से 5 मैच क्लोज हुए हैं, बिल्कुल आखिरी 2 ओवर में खत्म हुए हैं. सो दिस हैपेंस इन टी20 क्रिकेट. बट आई सपोज लाहौर का जो मैच है उसमें विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर. बट जनरली पीएसएल क्रिकेट वाइज हैज बीन एक्सेप्शनल. क्राउड्स इन मुल्तान, लाहौर हैज बीन इनक्रेडिबल. आई थिंक पिंडी विल बी द सेम एज वेल. कराची ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली मे बी वीकेंड पे लोग आए, इवेंचुअली नेक्स्ट लेग में आए, बट थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा. वी स्पोक अबाउट इन लेंथ जी, बिल्कुल अबाउट के प्रॉब्लम क्या हो रही है. वंस वी बीन थ्रू दैट प्रॉब्लम ourselves, वी रियलाइज के इट्स नॉट ईजी टू रीच द ग्राउंड. सो थोड़ा सा इस पर दोबारा मैं टच कर दूँ कि वो वसीम एक और भी चीज़ हुई है. एक तो ट्रैफिक का फ्लो का तो इशू है ही है चारों तरफ नेशनल स्टेडियम के कराची के अंदर, जिसकी वजह से कराची की दूसरी शाहराहें जो हैं वो क्लॉग हो जाती हैं, चूंकि ये डाइवर्जन इतनी ज़्यादा लगा देते हैं. और जो एक और मसला भी है जो टिकट होल्डर्स ने बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, फेसबुक पर भी पोस्ट किया हुआ है कि जी हमारे पास टिकट होती भी है, फैमिली के साथ गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ती है, बहुत लंबी वॉक है, शटल सर्विस होती है, कभी बस होती है, कभी नहीं होती है, and then of course the toilets and so forth and so on. So we just hope that all of this is, you know, addressed so that more people would go with their families to watch a game. I remember a couple of PSLs ago, I think tab commissioner sahab naye hain, shayad ab change ho gaye honge. उन्होंने हर 2 तलवार पे या 3 तलवार पे और रास्ते में शाहरा फैसल पे भी जो स्पॉट्स, उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही वेयर कैन पीपल कम एंड वॉच द गेम. वो मैंने इस दफ़ा नहीं देखा. आई सपोज अगेन इट्स गॉट टू डू विद पीसीबी लीडरशिप, बिकॉज 3 बंदे आए हैं एक साल में, डिसीजन मेकिंग हो नहीं थी रही, लास्ट मिनट पर ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट आई होप चेयरमैन आए, चेयरमैन जाए. देयर शुड बी अ सिस्टम के बोर्ड तो चलता रहे ना. अब माइक्रो मैनेजिंग तो चेयरमैन साहब नहीं करेंगे ना. गेंद भी ऑर्डर करनी है तो चेयरमैन ने साइन करना. अब इतनी भी तो नहीं होनी चाहिए माइक्रो मैनेजिंग इन जनरल. आई होप के जो नए आए हैं वो प्रोफेशनल, देन द अदर्स ही'ल प्रोबब्ली हायर द राइट पीपल एंड गिव देम द पावर टू मेक डिसीजंस. दैट्स हाउ द क्रिकेट शुड रन. एब्सोल्युटली. सर, फॉर यू व्हाट हैज बीन द स्पेशल मोमेंट इन दिस एचबीएल पीएसएल 9 सो फार? आई थिंक अगेन क्लोज गेम्स जो हुए हैं, जितना जितने क्लोज गेम्स होते हैं उतना मज़ा आता है लीग, किसी भी क्रिकेट के मैचेस देखने में. और आई थिंक अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है कि यंग प्लेयर्स, जिसमें ख्वाजा नाफे भी हैं, उसके बाद ये अपना जो स्पिनर हैं उस्मान तारिक, जो नया टैलेंट देख के हमेशा खुशी होती है. तो आई थिंक अगेन यू नो इस हाईलाइट हैज़ बीन यंग प्लेयर्स. और मेरे लिए हमेशा वही रहता है कि जो जितने यंग प्लेयर्स परफॉर्म करें, लीग के सक्सेस वही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं या एक्सपीरियंस टीमें परफॉर्म करती हैं वो तो ऑब्वियसली यू नो दे आर नोन फॉर दैट. बट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि जिस तरीके से ख्वाजा नाफे या और यंग प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें. मोहम्मद अली इज़ अ स्टार इन द मेकिंग इन टर्म्स ऑफ टी20. आरिफ याकूब ने परफॉर्म किया है और ये इन्होंने इम्पैक्ट डाला है. बस ना सिर्फ परफॉर्म किया है बल्कि मैच जितवाए हैं. दैट इज़ वेयर सो परफॉर्मेंस तो आ जाती है, लेकिन जिस तरह मोहम्मद अली की कंसिस्टेंसी है. आरिफ याकूब का वो सेकेंड लास्ट ओवर था जिसमें उन्होंने मैच टर्न अनाउंट कर दिया. आई थिंक इस तरह की चीज़ें देख के खुशी होती है और मज़ा आता है. अच्छा, एक चीज़ हफीज, बहुत सारे लोगों को अगेन आई गो थ्रू सोशल, वी ऑल डू गो थ्रू द सोशल फीड्स एट कमन आउट. बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, एंड लॉट ऑफ पीपल वर ऑफ द व्यू के देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन हाउ आर स्टार फास्ट बॉलर्स आर परफॉर्मिंग इन दिस एचबीएल पीएसएल 9 वर्सेस सम ऑफ द यंग गाइस दैट हैव डन रियली यू नो वेल फॉर देमसेल्व्स. तो डज क्या ये होता है कि जो स्टार परफॉर्मर है, जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं कि जी वो ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, दूसरी लीग्स में भी खेल रहे हैं, और वो फिर अचानक अपनी लीग में आके परफॉर्म नहीं कर रहे, और जो नए लड़के हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या बेहतर नज़र आ रहे हैं, उन पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है जो आपके सुपरस्टार्स होते हैं? नहीं, देखें, प्रेशर तो आप पे हमेशा हर गेम खेलने का आएगा, और जब आपके साथ एक्सपेक्टेशन ऐड हो जाती हैं और लोग चाहते हैं, लोग आपके परफॉर्मेंस के यूज्ड हो जाते हैं और वो ये देखते हैं कि आप आज क्या कर रहे हैं, तो वो आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस को बहुत जल्दी भूल जाते हैं. लेकिन जो यंगस्टर होता है उसकी हर परफॉर्मेंस याद रह रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर वो एक्सपेक्टेशन का वो जो है वो लोड नहीं होता. तो इसलिए एक्साइटमेंट भी यही रहती है और ये चैलेंज भी रहता है. एज़ यू ग्रो अप इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हर दिन परफॉर्मेंस काउंट करती है.
और वो लीड अप करती है आपके कैरियर को एक नॉर्मल कैरियर से एक ग्रेट कैरियर बनाने में. क्योंकि जब आप लंबी देर तक एक्सपेक्टेशन के लोड को मैनेज करते हैं और डिलीवर करते हैं, इसीलिए आपको ग्रेट कहा जाता है कि आपने बहुत लंबी देर तक अपनी जो परफॉर्मेंसेज है उसको कंट्रोल करके लोगों को एंटरटेन किया. तो इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल द प्लेयर्स और विद द सेम टाइम सेम अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. जैसे अज़र ने बात की कि जो यंगस्टर्स हैं वो डोमिनेट करने की कोई तो राइट रीज़न होगी, और वो मुझे ये लगता है कि एक तो वो इसको इंजॉय कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं खेल रहे, और उनका मोस्टली जो परफॉर्मर आपके सामने आया अपार्ट फ्रॉम उस्मान तारिक आई थिंक वो आपको सिस्टम के परफॉर्मर नज़र आ रहे हैं. इवन तैयब ताहिर एक आध दो मैच के लिए ही प्लेड वेल बिकॉज ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस खेलते हैं, इसी टीम में भी सौ किया था, उसमें भी किया, और उसके बाद उसको किसी जगह पे कंसिडर नहीं किया. सो आई थिंक वो चैलेंज भी होता है उन यंगस्टर्स का कि हमने अपनी जगह ग्रैब करनी है या अपने अपना टैलेंट शो केस करके अपने आप को एक उस जोन में लेके आना जहाँ पे सिलेक्शन आसान हो जाए, और उन्होंने प्रूव करके आना है वहाँ पे. लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे होते हैं सम टाइम दे टेक थिंग्स ग्रांटेड एंड दैट कैन टेक अवे यू लाइक फ्रॉम द सिस्टम. तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज है दोनों के लिए. एक के लिए गेन गेन सिचुएशन है, और एक ये है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे तो दे कैन लूज अ लॉट ऑफ राइट रिस्पेक्ट फ्रॉम द गेम के जो लोग और जो फैंस होते हैं वो फिर आपकी जगह दूसरे को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं. राइट मिस्बा, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स वेरी क्वेश्चनेबल इन दिस एज PSL 9. बिल्कुल, और मतलब हम हमेशा कहते हैं कि फील्डिंग दो चीज़ें, आपकी फिटनेस है और दूसरा एटीट्यूड इन द फील्ड है. जब आप कहीं ना कहीं इजी स्पॉट्स ढूंढते हैं कि हाँ मैं प्रेशर वाली जगह पे ना खड़ूँ, इनिशिएटिव नहीं लेते, रेडी नहीं होते, तो ये एक वसीम भाई से पूछ लें, सामने हफीज़ बैठे, जब भी आप फील्डिंग में छुपना शुरू होते हैं तो देन गेंद आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, आपके लिए मुश्किल है. इन यंगस्टर्स को जो भी छुपता है उनको ये पता होना चाहिए कि हर एक को पता होता है. बिल्कुल, आप बाहर से नजर आ जाते हैं, सही कह रहे हैं. सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड. जब आप इधर उधर छुपते हैं या कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह फील्डिंग में जो है वो मेरे पास बॉल ना आए, नेगेटिविटी जैसे ही आपकी माइंड में आती है आपकी बॉडी उसको फॉलो करती है. फिर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि गेंद मेरी तरफ ना आए, इट मींस कि जब भी बॉल आएगा आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे. और जब आप चैलेंज लेने को तैयार हैं, आप कहते हैं कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊं जहां मैं को रन आउट कर दूं, हॉट स्पॉट हो, कोई ऐसा कैच पकड़ लूं, इट मींस कि पॉजिटिव एनर्जी रन कर रही है, आप एक आधे चांस को भी पूरा चांस कन्वर्ट करेंगे और आप टीम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे. तो ये सोचना पड़ेगा, फील्डिंग इज एट द टॉप. वी कैन गो ऑन दिस सब्जेक्ट for like 3 hours with all of us. We know where the problem lies. And we've been saying it. I've been saying it. I retired 20 years ago. Been saying it for 20 years. It's the first class structure. वहाँ पे जब आप नहीं, अब पाकिस्तान टीम में आके आपने फील्डिंग नहीं सीखनी, यहाँ तो बना बनाया प्लेयर आना चाहिए ना. मेरी थोड़ी सी इस बात पर मैं एक जरूर ठीक है, सिस्टम की बात मैं कहता हूँ कि सिस्टम ठीक नहीं है, उस तरह सपोर्ट नहीं करता, बट सिस्टम इज़ फॉर योर बॉलिंग एंड बैटिंग ऑल्सो. उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बट समहाउ उसमें आप एक्सेल करते हैं और आप उस स्टैंडर्ड पे आते हैं कि आप कंपीट करते हैं दुनिया को, देन व्हाई नॉट फील्डिंग, व्हाई नॉट फिटनेस. इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई चाहता है कि मैं वर्ल्ड क्लास बनूँ तो बाकी जो अच्छे फील्डर भी आए हैं इस सिस्टम में उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. ठीक है सिस्टम आपको सपोर्ट, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं हूँ जो मैं गंदा होऊंगा टीवी पे, मेरे पे लोग उंगलियाँ उठाएंगे एज अ फिटनेस एज अ फील्डर, तो मैं क्यों ना एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ लाइक मैं बॉलिंग में कर रहा हूँ या बैटिंग में कर रहा हूँ. मैं ले जाऊँ किसी को, मैंने स्लाइड मारनी है, मैंने कैचेस करने हैं, मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, मैंने स्पीड पर काम करना है अपने, मुझे खुद ये करना है इसी सिस्टम. ठीक है आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, बट यू कैन इंडिविजुअली डू दैट. सो आई थिंक दैट शुड बी समथिंग, प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल की भी होनी चाहिए. और इस PSL में अगर देखा जाए, हाफ वे तो हम ऑलमोस्ट आ ही गए हुए हैं, छः छः पाँच पाँच मैच हो गए हुए हैं. फील्डर एक आधा ही पाकिस्तानी यंग लड़का नज़र आया है, वो आज आके इरफान न्याजी नज़र आया, एक ही नजर आया पूरे बस वो कराची के मैच में जहां देखा है वो खड़ा था, जहां कैच गया वो खड़ा था. और वो काफी जगह पे जब वो बाउंड्री पे कंट्रोल कर रहे थे, ही वाज कवरिंग वेरी गुड डिस्टेंसेस ऑन वन साइड बिकॉज़ ही इज फिजिकली वेरी फिट. ही वाज लास्ट ईयर आई वाज विद कराची एट देयर एंड ही टुक कपल ऑफ ब्लाइंडर्स जो कि अनहर्ड ऑफ और अनसीन है
कि पाकिस्तानी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा होता है कि ही वांटेड टू हैव दैट स्पॉट जहां बिग बॉल आए, हॉट स्पॉट जिसे कहते हैं, क्योंकि उसका एक पीछे अगर देखें जहां से भी अंडर 19 से खेलता हुआ है, जिन टीम से भी खेलता हुआ नजर आया, इवन फर्स्ट क्लास में मैंने देखा, अच्छा सिले पे बॉल आ रहा है, ओके मैं सिले पे खड़ा हूँ, और सिले पे उसने कई ऐसे कैचेस पकड़े हैं स्पिनर पे जो मिडल हुए हैं, पर यूं पकड़ लिया, यहाँ फंसा लिया, फिर गली या स्लिप में कोई नहीं अगर जा रहे हैं चांसेस, वहाँ गली में ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं, जहाँ पे आप T20 की बात करते हैं या वनडे की वाइड बॉल की, तो वो लॉन्ग ऑन मिड विकेट से ले के, अगर मिड विकेट पे वो खड़ा है तो मिड विकेट से ले के लॉन्ग ऑन तक का एरिया पूरा कवर करना है, और फिर वहाँ से स्क्वायर लेग कब तक का पूरा एरिया कवर करना है। तो मतलब बात वहीं पे आती है कि इसी सिस्टम में लोग जो है अपनी फील्डिंग और फिटनेस इंप्रूव कर रहे हैं ना, बिकॉज वो प्रायोरिटी दे रहे हैं उस चीज़ को, तो बाकियों के पास एक्सक्यूज़ नहीं रहता भाई, फील्डिंग तो आप कहीं पे भी जाके खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, और कोई भी फॉर्मेट हो, यू गाइस विल नो एज वेल, कोई चाहे वो रेड बॉल हो, चाहे वो 50 ओवर हो, चाहे वो T20 हो, अगर आपका यंग फील्डर या कोई फील्डर इनफैक्ट पहला बॉल T20 का गया है, आप खड़े हो थर्ड मैन पे, पहला बॉल गया है, एज लगी है, थर्ड मैन पे गया, फील्डर आपने थ्रो किया है, पुली मतलब वही, अब थ्रो करो जरा, जाए कीपर के पास, कीपर उस स्टंप पे आए, आवाज आए बैट्समैन को, दिया है ये बड़ा जबरदस्त, एक दो बार दोबारा करके दिखाई थ्रो, अजीब जुलूस से चीट मार दे, एक से रुक जाए यार, ये जुलूस में इट लग गई है, तो फिर इधर ब्रेक का टाइम आ गया दोस्तों, यू वाचिंग द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड दिस इज द HPLPS ऑनलाइन कवरेज, वी विल बी बैक आफ्टर दीस मैसेजेस, वेलकम बैक टू द पवेलियन, मैं फकर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HPLPSL सीजन 9 एंड विद मी The pavilion. I've got four fantastic gentlemen, four former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammed Hafeez, Misbahul Haq, and the great Wasim Akram. And dosto, aaj bada din hai. It's a super Saturday for us here at the HPLPSL 9. We've got two games in store for us. Aaiye sabse pehle is pe nazar dal lete hain. Aapki screen ke upar aaj ka pehla match, match number 17, Rawalpindi se barah raast 2 baje Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars. लाहौर कलंदर्स के पास एक और मौका, और अब इनके पास जो मौके हैं उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, दे हैव टू विन ऑल देयर गेम्स टू हैव एनी चांस एट मेकिंग टू द प्लेऑफ्स। पेशावर ज़ल्मी ऑन द अदर हैंड लुकिंग अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग स्क्वाड एंड दे आर क्लिकिंग नाउ एज अ टीम। दूसरा मुकाबला मैच नंबर 18 कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत, और ये भी रावलपिंडी में है शाम को माजर के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ये मैच शाम 7 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो ये है जनाब आज के दो मुकाबले इस्लामाबाद से बराह रास्त आपकी खिदमत में हम लेकर आएंगे, एंड दैट्स हाउ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गेम। आप मैंने और खाओ पराठा जो है ना इतना हलवा डाल के पराठे के साथ खाना, या मर्जी भी तो होती है ना बंदे, इसका मैं क्या जवाब दूं, मैं इसका क्या, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, फिर दिमाग दी मर्जी हो, चले ना चले उनको पिंडी में भी कराची दिख रहा है तो दिख रहा है, अब क्या कर लोगे, वो बदला जरूर ले आएंगे मेरे को 100% बदले की नहीं, मुझे 100% अच्छा, तो सवाल मैंने पूछ रहा था आपसे, अब नहीं पूछूंगा, इधर आ जाओ, चलिए अजर ये बदलेंगे, ये रहा तेरा बदला, हेल्दी खाते हैं, जब हेल्दी खाते, जब भी खाते हैं हेल्दी खाते हैं, कितने पराठे वर्सेस पूड़ियां आपके लिए स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, हेड टू हेड फॉर द फर्स्ट गेम, आइए जरा देख लेते हैं, नजर डाल लेते, कर दो भाई कट कर दो, खुदा का वास्ता दिखा दो, जाग जाओ तुम लोग भी कंट्रोल रूम के अंदर, राइट, हेड टू हेड ब्रॉट यू बाय यूफोन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये पेशावर ज़ल्मी वर्सेज लाहौर कलंदर्स। तो जनाब ओवरऑल 19 मुकाबले हुए इनके दरमियान, 11 पेशावर ने जीते हैं, 8 लाहौर ने, लास्ट जो 10 मैचेस हैं उन 10 मैचेस में से 3 पेशावर ने जीते, 7 लाहौर ने, और रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले गए, दोनों पेशावर ज़ल्मी ने जीते, ये सूरत हाल है इनकी हेड टू हेड, एंड दैट्स योर हेड टू हेड ब्रॉट यू बाय यूफोन 4G। मिसबा लाहौर कलंदर्स मस्ट बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, चूंकि उनको बाकी अब सारे मैचेस अपने जीतने हैं टू हैव एनी काइंड ऑफ चांस ऑन द प्लेऑफ्स। बिल्कुल, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंडीशंस, लाहौर में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वहाँ पे ही वो ज़्यादातर मैचेस हार गए हैं, और पिंडी में आपने देख लिया
दो में से दो हारे हुए हैं और ये कंडीशंस मुझे लगता है पेशावर जर्मी को ज़्यादा सूट करती है. इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम. फास्ट बॉलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पिंडी में, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिच होती है और फास्ट बॉलिंग जिस तरीके से अभी तक परफॉर्म कर रही है लाहौर कलंदर की, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. यहाँ ऑल्सो मिस हारिस रऊफ. जी बिल्कुल, हारिस रऊफ और बाकी भी जो बॉलर्स हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे. आई थिंक पिंडी की कंडीशंस थोड़ी सी जिस तरह हैं वहाँ पे बेसिक जो आपका स्किल है लेंथ बॉल, नॉर्मल जो एक हम बॉलिंग करते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. लाहौर कलंदर्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक है, जहाँ थोड़ा सा स्लो पिच होता है, रिवर्स स्विंग कहीं ना कहीं आती है, वहाँ ये अच्छा परफॉर्म करते हैं. और नॉर्मली पिंडी में हमने देखा है कि उस स्टेज तक गेम जाती नहीं है. आपको जो बेसिक आपका एज ए फास्ट बॉलर स्किल है, जो अच्छी लेंथ हम कहते हैं कि स्टंप्स में हिट करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बॉल करना. तो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज. और सामने जो टीम है उसका जो टॉप ऑर्डर है कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है दोनों ओपनर जो हैं पेशावर जर्मी के, और उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही डेंजरस बैटिंग लाइनअप है, उनको ये पिच सूट भी करेगी तो इट इज गोइंग टू बी अनदर चैलेंज. एन एवरेज स्कोर लास्ट ईयर इन पीएसएल एट पिंडी वाज 206, 209. सो दैट मीन्स कि अगर ये एवरेज स्कोर है तो जो टीम बैटिंग पहले करती है उसको कम से कम 215-220 सोचना पड़ेगा, और ये चेस भी तीन दफ़ा 200 बड़े आराम से हुआ है. एंड आई थिंक पिंडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली के अलावा फॉर व्यूअरशिप के लिए, क्राउड के लिए, इट्स द क्लोजेस्ट टू द प्लेयर्स. ओके, स्टैंड से स्टैंड साथ हैं, बिल्कुल सामने प्लेयर नजर आ रहा है आपको, तो उसका मजा और है देखने का, बजाय कि आप ग्राउंड जाओ और फिर एक दूरबीन रखो और देखो प्लेयर केड़ा केड़ा नजर नहीं आ रहा इतनी दूर से. Somehow गेम फ्लाई भी करता है ठीक ठाक, ऐसे लगता है कि ग्राउंड ऐसे लगता है छोटा है ग्राउंड, हालांकि गेंद स्टैंडों में जाते हैं और कहीं तो स्टेडियम से बाहर भी चला जाता है वो उसकी बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, बिकॉज रावलपिंडी इज एट अ हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, यू हैव थिनर एयर, बॉल मोड बी फ्लाइंग. इधर एक स्टैट आपकी खिदमत में पेश करते हैं. दिस इज अ स्टैट राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज द लूक वुड्स बॉलिंग इन द पावर प्ले. ये तो नहीं था स्टैट जो हमने चलाना था, बट अब ये चला दिया तो देख लेते हैं इसको. वैसे ही 72 बॉलिंग की ये पावर प्ले में देख लें जनाब. Yeah, that's not a random stat. It's a very random stat. I know. I think we are pretty random this morning. उसे कहते हैं कि छोड़ा आपको भैंस की नीचे है, गए आप कट्टे के नीचे. हाँ, ये देखना चाह रहे थे हम. Because it is Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars. It is Babar Azam versus Shahin Afridi. और ये स्टैट जो है ये हमने पहले भी दिखाया था आपको, बट लुक एट दैट स्ट्राइक रेट इज गुड अगेंस्ट शाहीन फॉर बाबर आजम. ही इज प्लेड 73 बट ही इज बीन डिसमिस्ड 3 टाइम्स एज वेल. या पीपल लव दिस काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट. लाहौर का जो मैच है पेशावर से, ऑब्वियसली एक तो कप्तान जो भी है T20 का, बाबर पिछला कप्तान था, हालांकि प्लेयरों को फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर पीपल लाइक अस हु आर क्रिकेट लवर्स, हु वॉच क्रिकेट, फॉर देम इट्स अ काइंड ऑफ अ बैटल विद इन द बैटल. राइट राइट, यू नो. सो या बट आई लव्स दैट यू वेलकम विद इन द बैटल. कप्तानी का भी मैच है, बैटल विद इन द कप्तानी का भी मैच है. सो इट्स विल बी अ गुड गेम एंड पेशावर इज लुकिंग फेवरेट. तीनों के तीन मैच लास्ट के जो जीते हुए हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद, लाहौर एंड मुल्तान. सो दे आर इन गुड निक. लाहौर के 6 के 6 मैच हारे हुए हैं. और अब मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, कप्तान रहे आप दोनों भी, ऐसे कैसे टीम को मोटिवेट कर सकते हैं? पता है कि यू काइंड ऑफ आउट ऑफ द टूर्नामेंट, यू हैव मे बी अ लिटिल चांस मे बी, अगर आप अपने 4 के 4 मैच जीते हो, तो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं टीम को? मैं आई थिंक इसमें सबसे पहले तो डजंट मैटर अबाउट द क्वालिफिकेशन. इस टाइम सबसे ज़्यादा है आपकी प्राइड, यू नो. दे मस्ट हैव बीन हर्ट, और आई एम श्योर कि दे हर्ट हुए होंगे बहुत ज़्यादा. तो इस टाइम अपने नामों के लिए और टीम के नाम के लिए खेलना ज़रूरी है. आई थिंक यही बात उनके ड्रेसिंग रूम में हो रही होगी कि येस वी हैड अ पुअर टूर्नामेंट सो फार, बट वी हैव टू प्रूव कि हम यहाँ पे जस्ट ये 4 मैच अब खेलेंगे नहीं, 4 मैच जीतेंगे भी, और अपने नाम के लिए खेलें और अपने जो है टीम के नाम के लिए खेलें. आई थिंक कोई भी प्लेयर इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में जाके ये नहीं समझता कि वो 6 के 6 पहले मैच हारेगा. लाहौर की जो मिडिल ऑर्डर में एक इनकंसिस्टेंसी रही है ना बैटिंग ऑर्डर में, जो उनके मेन दो ऑलराउंडर्स थे, वीसे तो इंजर हो गए, ब्रेथवेट आए, फिर सिकंदर रजा आए, वो उससे पहले शाहीन और जहांदात आए हैं कई मैचों में, बट आपके जो दो स्पेशली सिकंदर रजा वाज इज इन प्राइम फॉर्म, और वो है भी नंबर 6 का बैटर.
नंबर छः पे जाए, वो चाहे पाँच छः पे जाए ताकि उसे थोड़ा टाइम लगे सेट होने में दो एक ओवर, और फिर वो हिटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, ये भी प्रॉब्लम हो रही है। जो दो सीजन लाहौर की जो सक्सेस रही है उसमें अगर आप देखें तो दे हैव अ सेट पैटर्न, छः बैट्समैन आपने अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस रिप्यूट जो है आपने रखे कि हाँ जी ये हमारे ओपनर हैं, नंबर तीन ये होंगे, चार पाँच छः, उनको आपने एक रोल असाइन कर दिया जहाँ उन्होंने पहले परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, एंड देन आपने कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, आपने कहा बस ठीक है ये तुम लोगों का रोल है आप प्ले करो। कभी कभी जब सिचुएशन आई आपने डेविड वीजे को प्रमोट किया, दैट्स इट। और आपने सेट पैटर्न था, आपका पांच बॉलर थे, उनको पता था कि हमने आना है यहाँ, यहाँ हमने अपना रोल प्ले करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपने राउंडर्स जब बहुत ज़्यादा टीम में आते हैं, यू डोंट नो कि यार कब किसने बॉलिंग करनी है, कब किसने बैटिंग करनी है। अब हर मैच में बैटिंग ऑर्डर फॉर नो रीज़न चेंज हो रहा है तो क्लैरिटी नहीं आती। मैं भी मिडल ऑर्डर में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कब अंदर जाना है, right. मेरा नंबर क्या है, मेरा रोल क्या होगा। एक मैच में कभी मैं जा रहा हूँ अभी 15 ओवर पड़े हैं, अचानक मैं 17वें ओवर में जा रहा हूँ, तो मैं सोच अपना गेम प्लान ही नहीं कर पा रहा ना। तो यही मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। Alright, दोस्तों अभी हम बात करें लाहौर कलंदर्स के हवाले से, वील टॉक सम मोर बट After this break. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr Alam. You're watching Sports. Our continued coverage of the HBL PSL Season 9. Today, two matches. First match, Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars. Second one up is Islamabad United with Quetta Gladiators. Both matches Rawalpindi. We have come for you. We have come for you. After a little while, we will give you more updates. We were talking about Lahore Qalandars. Basim, हम लाहौर कलंदर्स की प्रॉब्लम्स की तो हमने सारी बात कर ली, बट व्हेन यू लुक एट द सिक्स गेम्स दैट दे हैव प्लेड, व्हाट डू यू थिंक आर द गुड टेक अवेज लाहौर कलंदर्स हैज फ्रॉम दीज गेम्स और सम ऑफ दोस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस और इंडिविजुअल्स दैट यू वुड। एक मैच में जो उन्होंने ऑलराउंडर रखा है पाकिस्तानी जिसने आके नीचे से स्कोर किया था, ऑल्दो मैच वो हार गए थे, जहां दाद आई थिंक हिज नेम इज, बट उसके बाद लोगों को समझ आ गई कि इसको दूर नहीं बॉलिंग करनी, इसको इसकी बॉडी में बॉलिंग करनी है, और फास्ट बॉलर हो अराउंड द विकेट आके इधर को करो बिकॉज वो रूम मांगता है इसलिए मांगता है। ऑफ स्टंप के बाहर से वो हर चीज इधर स्क्वेयर लेग सॉरी मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ खींचता है ताकि उसके हाथ खुले, एक्सटेंशन मिले, वो जब इधर करोगे तो फंस जाता है। सो आई थिंक वही जो हमने बात की कि ऑलराउंडर्स अपने टाइम पे बैटिंग करने नहीं आए। ओके, वंस इन अ व्हाइल आई स्पोक अबाउट इट, शाहीन कैन कम एंड बैट, दिस इज जहांदाद, जिसने एक इनिंग खेली है और उसके बाद टीम ने रियलाइज किया इसको यहाँ नहीं करना, सो करना है तो इसकी पैडों में बॉल करना है, वहाँ से मार दे तो ठीक है, सही है। बट दैट वॉज अ गुड लिटिल कैमियो इनिंग्स फ्रॉम हिम। ओवरऑल जो मेन ऑलराउंडर थे जैसे सिकंदर रजा मैंने बताया, वीसी से भी फ़र्क पड़ा है, वो अच्छा प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और सॉरी लाहौर के लिए वो एक फेमस सेइंग है जिन्हें लोड नहीं देखा जमिया नहीं, यू विन आर यू लर्न, ओके बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दे आर लर्निंग आई थिंक too much learning, lekin I think it's a good phase for the Shaheen to learn, to be very honest, as a captain jab aapko har jagah pe kamyabi milti hai sometime aapko lagta hai sab cheeze bahut aasan hai, lekin jab is tarah ka zone aata hai wahan pe usko apna ek character jo hai usko reassess karne ki zarurat pesh aati hai, aap realize karte hain there's something I need to manage myself also better than the previous games jo piche ho chuka hai, aur team ke jo utilization of the talent hai jo galtiyan hui hain wo accept ki jaye। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते लाइफ में, आप ये नहीं मानते कि जो हो रहा है उसकी वजूहात में एक वजह मैं भी हूँ, तो आप लर्न नहीं करते। सो आई थिंक दिस इज समथिंग शाहीन के लर्निंग फेज के लिए एज ए कैप्टन बहुत ज़रूरी चीज़, लाइक इन अ वे, राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ पॉजिटिव थिंग बट इट विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड कि कामयाबी में आपने कैसे लेके चलना होता है एज ए कैप्टन, जब सब चीज़ें बड़ी आसान लग रही होती हैं और चीज़ें चल रही होती हैं, और ऐसे हालात में कि जब उनके पास बेस्ट कम्बिनेशन मौजूद थे लेकिन वो अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सके और अपने टैलेंट को राइटली जो है एड्रेस नहीं कर सके, आई थिंक दैट इज़ अ लर्निंग फेज फॉर हिम एंड ऑल्सो फॉर द लाहौर कलंदर मैनेजमेंट, तो शायद इसकी यूज टू रही है क्योंकि पहले 5 साल एनजी रेसन बेचारे, बट नाउ आई थिंक इट्स द कमिंग बैक टू दैट स्पॉट जहां पे इनको दोबारा रिविजिट करना। जो बिगेस्ट पॉजिटिव इनके लिए हैं वो साहबजादा फरहान है और रसी वंदर दूसन है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, ये जो आप या हम देख रहे हैं कि क्लोज मैचेस हारे हैं, आप अगर आप देखें तो पूरी बैटिंग को ये दो बंदे कैरी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी गेम दे स्कोर्ड रन्स, और द काइंड ऑफ फॉर्म साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में रन्स करते हुए यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली आए हैं, पहली दफ़ा पूरा रन मिला और जब द वे ही परफॉर्म्ड एंड देन वंदर दूसन,
हमने जो वो 100 वाला जो मैच हुआ है और जो एंड तक लेके गए अकेले, ही इज जस्ट स्कोरिंग बल्क ऑफ द रन. मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स की सारी बैटिंग एक तरफ कर दें और वेंडर हुसैन के रन जो है वो एक तरफ कर दें, सारे यार साहबजादा के मेनली इन्होंने रन किए हैं, तो बाकियों को भी मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूट अंडर यूटिलाइज. उस्मान इज वेल, उस्मान इज विद मुल्तान.13 मैचेस हुए वहां पर 10.14 की एवरेज से हुए. Centurion, the over, Leeds, Cardiff, all behind. These are all international venues, Wasim. So is Rawalpindi. Yeah, so I'm that obviously that shows ke how flat the pitch is for T20 format. It's good for cricket. Chase bhi hue hain 200 runs yahan pe. Badi aasani se wahan dew factor bhi hota hai. If it's cloudy, obviously they won't meet dew. Yeah. But if it's not, there will be dew in Islamabad. Absolutely. And that's your numbers game brought to you by Sting. All right, folks, we've got some news coming in now. Rawalpindi Stadium se humare paas khabar aa rahi hai. Kuch shots aa rahe hain, aapki screen ke upar lekar aate hain. Surat-e-haal thodi ghambeer si hai, gentlemen, is waqt Rawalpindi mein. Barish hoti rahi hai sari raat. Abhi subah se bhi waqtan-fawaqtan barish चल रही है. अभी भी जो है मौसम वो ओवरकास्ट है, हैवी रेन्स गोइंग ऑन एंड इट डजंट सीम लाइक फ्रॉम व्हाट वी कैन सी द विजुअल्स आर सेइंग इट लुक्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. लुक्स अ स्टेडी काइंड ऑफ वेदर. इट्स विंडी बट इट्स क्लाउडी, इट्स लिटिल ड्रिजल. वेदर मस्ट बी अमेजिंग लाइक कराची देयर अबाउट 20 डिग्रीज. या इट्स कोल्ड इन कराची दिस मॉर्निंग बाय द वे. बिल्कुल. या बट इट मस्ट बी, लुक एट दैट, इट्स वाओ. नाइस. हम ये देख लें. सो ये रहा जनाब. या आई बिलीव के रेन कल रात भी होती रही है वहाँ पे, बट आई सपोज ऑल डिपेंड्स के ड्रेनेज सिस्टम कैसा है ग्राउंड का. इफ इट्स गुड इनफ मे बी सेकेंड गेम शायद हो सकती है. वी डोंट नो हाउ वेट द ग्राउंड इज राइट नाउ, बट इट अपीयर्स सो इट हैज बीन ड्रिजलिंग ऑल नाइट. द वेदर फोरकास्ट इज सेइंग कंटीन्यूअस रेन थ्रू आउट द डे. Okay. So the showers will continue all the way into the. So unless evening. Until showers are completely stopped, aap ground ko kuch kar nahi sakte by law. Yeah. So it has to be stopped. Drizzle bhi nahi honi chahiye. Ek kada boond bhi nahi girni chahiye. Phir uske baad se process start hota hai. Chale, phir groundsman batayega. Ek point to aayega na. Kisko Lahore ko? Yeah. Yeah, I suppose if you look at that way, yeah. But I hope ki cricket ho, but again weather you can't control. Yep, you can't control the weather and you can't control the amount of breaks that we take in this show. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. Main Fakhran Ahmad dekh rahe hain Sports, our continued coverage of the HPL PSL season 9, and what an exciting season this has been. Today is a super Saturday and it is super duper fun because we've got two games in store for you. Pehla mukabla jo hai dosto wo Peshawar Zalmi versus Lahore Qalandars hai. Dusra mukabla Islamabad United versus Quetta Gladiators. Dono mukable Rawalpindi se barah raast aapki khidmat mein humne lekar aane hain, magar ab se kuch der pehle break se pehle humne aapko manazir dikhaye barah raast from Rawalpindi Stadium jahan par barish ho rahi hai musalsal aur theek thaak मौसम जो है वो ऐसे मौके पे वसीम जी जो प्लेयर्स आते हैं ऐसे मौके पे गुड्डी नहीं उड़ानी चाहिए. नहीं बिल्कुल गिली हो जाएगी. गिली हो जाएगी. गिली हो जाएगी. पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट जी बताइए. ऐसे मौके पे जब स्टेडियम में प्लेयर्स आते हैं या तो क्या आपका मतलब आप देखते हैं कि यार तो कोई क्रिकेट नहीं होनी, ये नहीं होनी, क्यों होना, शुक्र है जान छूटी या कुछ. नॉट रियली. आई सपोज यू घोड़े घोड़े मंगवाओ कुछ करिए. नॉट रियली. स्पेशली इफ यू आर लाहौर यू वुड लाइक टू प्ले अ गेम. यू जस्ट डोंट वांट टू गेट वन पॉइंट बिकॉज आई सपोज हमारे टाइम पे आप पता नहीं माइंड सेट क्या है बिकॉज फोन तो आप प्ले जब आप ड्रेसिंग रूम में जाओगे आपके पास फोन नहीं होगा. फिर दो घंटे ही अमलिए मारते रहते हैं एक दूसरे से. बिकॉज हमारे दौर में हम ताश निकाल लेते थे. यू नो बारिश अगर लैंकाशायर में हो रही है पाकिस्तान टीम में हो रही है थोड़ी गेम खेल ली कुछ खेल लिया ऐसे कर लेते थे. शुडो, ये वो. अब आजकल के सोशल मीडिया के बच्चे हफीज वुड नो कि ये क्या करते होंगे. क्या करते हैं रेन ऐसे मौके पे आप लोग फोन तो ले लिए जाते हैं तो फिर की करते हो दूसरी ड्रेसिंग रूम में. नहीं ऑब्वियसली ये अभी तो इस टाइम पे बारिश के टाइम तो नहीं लेते फोन. अब बारिश जब पहले से स्टार्ट से पता ना बारिश हो रही है तो फिर वो जब गेम के करीब आ गए. क्या करते हैं सर जैसे ही आप बस से निकलते हैं जो सिक्योरिटी का जो बंदा होता है जो 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 भी आपका कैरियर होता है वो आपको कहते हैं कि जी आप बस से उतरते वक्त जो है ना वो दे दें. और मैनेजर्स भी यही इन्फोर्स करते हैं कि आपने ये करना है. तो आई थिंक इट्स अ गुड फॉर द गेम कि आप एंटी करप्शन के किसी भी उलझन में ना आए. इट्स बेटर टू गिव इट टू. तो आप फोन आपने दे दिया, आप ड्रेसिंग रूम में चले गए और बाहर मौसम में इस तरह गए. हां नहीं होता ये कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो होती है बिकॉज एज ए प्लेयर यू ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गेम. लेकिन जब आप वहाँ जाके ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो
लाइक इट्स अ टफ टाइम, जो भी है एक घंटा दो घंटे अगर लंबी देर तक हो तो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है. आधा पौना घंटा तो गुजार लेते हो एक कद कॉफी थोड़ी जी गल्लां कुछ चिट चैटा तो, बट कॉफी मैं तो इन टीमों के साथ रहा हूँ 6-8 साल से PSL में टीम पाकिस्तान टीम में, सब तो पहले पिस्ते बादाम पे अटैक कर देने आई सुबह एने फक्के मार देने. मैं क्यों की हो गया है ना, लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है ना लौटे वेले का टाइम है, मेरा मतलब है प्लान बी है केलिया से पै जाओ केले. मैं क्या एने केले से बांदर नहीं खाना, प्लान टू केले. मैं क्या एने एने केले से बांदर नहीं खाते जो तुम खाते हो. हाँ जी, इससे सबसे ज्यादा जो ये वो हमारे इफ्ती भाई हैं, इफ्ती मेनिया. सारे मैंने नोट किया है, मैं नोट करता हूँ. मैं सबसे पहले जब जाता हूँ, मैं भी 8 साल जब 2 घंटे पहले 2.5 घंटे पहले निकल जाते हो सिक्योरिटी एंड ऑल. सो वंस यू देयर फॉर 10 मिनट्स इज नथिंग टू डू फॉर एनीवन. सो मोस्ट ऑफ देम जस्ट अटैक. पूरा खाना भी लगा होता है. आई थिंक मैंने स्टोरी सुनाई थी पहला PSL दुबई जब आप कैप्टन थे हमारी ओपनिंग गेम यूनाइटेड and we arrived 3 hours before the game, 3.5 hours because opening ceremony hoti hai. We spoke about it, players ke liye zara bada mushkil sa ho jata opening ceremony because it takes long. To hum I think 8 baje match tha to hum 5 baje wahan pahunch gaye. It's neither tea time, neither lunch time, no dinner, neither dinner time. हमें बुफे लगा हुआ था, ग्रिल चिकन, एक उन्होंने रैंडम आलू गोश्त पाया ऐसी टर्न वाए 5 बजे पाकिस्तानी हमारे यंग लड़के 5-6 जो मैं अब तो बड़े सीनियर हो गए अच्छे क्रिकेटर थे टैलेंटेड थे आए गोरे आए. गोरों ने इतनी सी पीस का फिश यू नो पीस ऑफ फिश उठाया हल्का सा बेक्ड फिश दो एक ब्रोकली के डाले चखा. मैंने 4 लड़कों 5 यंगस्टर बैठे देखा एने एने चाल एने एने चावल तो सिर्फ बोटियाँ शोरा भी नहीं. मैं क्या बेटा कितों जंगल चो आए हो. मैं क्या ना है डिनर का टाइम है 2 घंटे बाद मैच है तो मेरा मतलब है थोड़ी सैलड ही खा लो. कहते फाइनल का मजा नहीं आता. सो फिर हमें बाद में सिखाया मैंने उनको बेटा कि ये खाने के टाइम में जो मर्जी खाओ बट दिस इज नॉट अ डिनर टाइम, यू गॉट अ गेम इन 2 hours टाइम. Yeah, you need kind much, of a. You don't. Your body never reacts. Exactly. Not necessarily. No, sir. He's. Yeah, you're. Very nice react. It's nice, na. That's what nice. Samjho na tujhe. It's nice. Samjho. But okay. And Misbah, आप क्या करते हैं जब इस तरह का मौसम आ जाता है तो? कुछ भी नहीं. Dressing room की बात करो. Misbah कान खा जाता होगा. सुकून. I think Vaseem said it, nailed it. कान खा जाता होगा सबको. सुकून तो तू किसी को नहीं दे सकता. ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है. आपको सही नहीं पता. सईद भाई अक्सर कहते होते थे ना, सईद भाई ने अब मैच होना मिसबा भाई सईद भाई को समझाई जा रहे हैं मैच का बात करी जा रहे फिर उसके बाद बस च बैठना फिर सईद भाई के नाल आके बह जाना फिर जो फिर खाना कट्ठे खाना तो खाना जो खा रहे होना तो देखते मिस भाई ने फिर क्रिकेट की गल करनी है देख मिसबा बस कर खुदा दा ना ही सही सच में कोई और गल कर ले. ओके विद दैट इट्स टाइम फॉर गेस व्हाट एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट टू यू बाय फार्मोलिव शैम्पू. अच्छा जी, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस में पहला मैच जो है वो पेशावर जलमी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. नहीं की हो गया और कलंदर की हो गया पागल की खा के आए हो सवेरे सवेरे. Jesus. Perfect. अच्छा, so there's still a week. So first match up, Misbah, आपसे start करते हैं. अगर ये match होता normal होता, तो आप कौन सी team choose करते हैं? मैं choose करूँगा बारिश खान. बारिश खान. पिशावर for me, man. पिशावर for Vaseem. Misbah. समझ जाओ पिशावर. पिशावर. आज नहीं. आज नहीं. पिशावर. पिशावर. लॉर्ड कलंदर. यार आप लोग ट्रस्ट ही मैच दिया छाड़ गए भाई. मैं बहुत थल्ले मैं लीडर बोर्ड से सबसे नीचे हूं बिकॉज़ ऑफ लाहौर के अंदर 6 मैच आ रहा हूं. अच्छा कोई. अच्छा अगर आज एक एक पॉइंट मिला बारिश की वजह से ना, और जिसने लाहौर कैलेंडर्स बोला हुआ उसको भी एक पॉइंट मिलेगा, जिसने पिशावर बोला उसको भी एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि दोनों को ये नहीं नहीं समझ दीस रूल्स एज यू गोइंग. ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट जो है ना
वो दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। अगर सही करें जे वही पुठा का है ना तो सारा दिन पुठा ही चल। You had a big dinner last night too. I know. I mean, I had a great dinner thanks to you. Bone marrow risotto. बुनियादी तौर पे गुदा था। खिचड़ी। ते खिचड़ी सी। It was fantastic. Italian खिचड़ी। आह Italian खिचड़ी। नाश्ते दी गल का। अच्छा दूजे मैच से आ जाए यार बस कर दे खुदा दा वास्ते नाचते भी आ जाएंगे दूजे क्या अब सवाल ये है कि दूसरा मैच होगा कि नहीं होगा मिसबा दूजे भी नहीं होता नॉट हैपनिंग स्किप आई विल गो फॉर क्वेटा इन सेकंड गेम डोंट नो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग Can't tell while sitting here. That's random question yes, you asked me. Happening or not happening? I hope it happens, but I doubt it. So not happening. If it doesn't happen, you get one point each, right? Yeah. I'll give you a point for this. Not yeah, बारिश मैच ना होगा या नहीं होगा? अच्छा जो प्रिडिक्ट राइट करेगा बारिश मैच होने हैं उन्होंने का बताएं थोड़ी बारी नॉट हैपनिंग नॉट हैपनिंग थ्री नॉट हैपनिंग्स ऑलराइट जनाब अजर पुठी गाल कर दे यार सारे नहीं कर रहे नहीं नहीं अच्छा जनाब चार नॉट हैपनिंग्स हैं अगर दूसरा मैच ना हुआ ये प्रिडिक्शंस हैं दोस्त हो गया तो फिर आप गलत प्रेडिक्ट करेंगे ना तब तभी ना तो और कैसे नाश्ता करोगे तो मर्जी भी नहीं करोगे देयर यू गो एंड दोस आर योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस ब्रॉट टू यू बाय पामोलिव शैम्पू सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी आज वसीम प्लानिंग एज छोटी से बात की आयला से हाय बेबा हाउ आर यू एंड ऑल आई हेट होम वर्क आई हेट स्कूल बेटा We all said the same thing when we were age, but we've been. Hum gaye hain school, aapko bhi jana padega. Yep, that's the way it is. There's no way out. There's no way out. With that, whether you like it or not, you still have to go to a break. Welcome back to the Pavilion. Main Fakhran Ahmad. Dekh rahe hain A Sports, our continued coverage of the HPL PSL Season 9. Aaj do mukable Rawalpindi se Barah Ras aapki khidmat mein pesh karne hain, magar surat-e-haal ground ki thodi si pechida hai. Is waqt mere saath Pavilion mein maujood, I've got Azhar Ali, Mohammed Hafeez, Misbah Ul Haq and Wasim Akram. Hum log HPL PSL ke hawale se baat kar rahe the, teamon ke hawale se baat kar rahe the, magar aaiye zara nazar dalte hain to phir ground se Barah Ras kuch aur visuals mausool ho rahe hain. Surat-e-haal waisi ki waisi hai, abhi bhi halki si बारिश जो है वो रवा दवा है हल्की सी तो नहीं ठीक ठाक बारिश है और पानी भी खड़ा है ग्राउंड में हर तरफ और ठंड भी हो रही है हवाएं भी तेज़ चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि सारा स्टाफ जो है वो मौजूद है इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये देखें आप कितना पानी जो है रोलर चल रहा है और प्रॉब्लम होती है जब ये पानी कवर से उतारते हैं ना अब ये कवर समेत ये पानी बाउंड्री से बाहर कवर लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी फेंकेंगे ये अब हल्का हल्का काम शुरू हो गया है अंपायर ने छतरी रखी है काम करने की कोशिश कर रहे हैं सुपर स्वॉपर भी आ गए हैं बाहर सो फार इट्स लुकिंग ओके आई मीन फ्रॉम हेयर बट अगेन इट्स वेरी हेजी बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड ड्यू फोरकास्ट जो है वो वसीम ये बता रही है बार बार के थ्रू आउट द डे जो है आपके वक्तन फवक्तन शावर्स चलते रहेंगे दैट्स व्हाट द फोरकास्ट इज सेइंग ऑल द वे इनटू द इवनिंग सो इट लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि अगर आज कोई मुकाबला हो या कोई मैच होगा या नहीं होगा अगर होगा तो आपकी खिदमत में बराए रास्त हम आपको दिखाएंगे यहाँ ए स्पोर्ट्स पर और अगर नहीं होगा हम आपको वेदर अपडेट्स देते रहेंगे वक्तन फवक्तन आप देख सकेंगे यहाँ पर चैनल के ऊपर आ रही होंगी खबरें इस वक्त क्या वेदर अपडेट आपके सामने है 15 डिग्री सेल्सियस है और थंडर स्टॉर्म्स हैं एंड रेन है थ्रू आउट प्रिसिपिटेशन ये देख रहे हैं आप प्रिसिपिटेशन जो है 80% यानी कि 80% आज सारा दिन बारिश के इम्कानात हैं ह्यूमिडिटी भी 80% पे है और हवा भी अच्छी खासी है 31 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है बट वी गोइंग टू ट्राई टू कीप यू गाइस अपडेटेड विद व्हाटएवर द सिचुएशन इज लाइक सो दैट वेदर द गेम हैपेंस और नॉट हैपेंस वी डोंट नो मगर हम लोग अगर मुकाबले ना हुए अगर मैचेस ना हुए तो हम अपने यूजुअल टाइम पे जो कि मैच के बाद दूसरे मैच के बाद होता है हम आपकी खिदमत में बराह रास्त दोबारा हाजिर होंगे पेविलियन को लेके Otherwise, stay with us throughout the day on A Sports, and you can see the highlights of other games and everything. Any additional words you'd like to say, Skip? No, I'm good, buddy. Yeah. Thank you very much. Right. Hopefully, Allah kare ki matches ho jaye, especially dusra wala. Cricket hone chahiye. Bhai ki taraf se hai ki Karachi ke liye bada mushkil ho gaya. Barish ho rahi hai na. Karachi ke liye? Yeah, I know. Sutta hi aaya si aaj.
All right, folks, with that, I'm going to say thank you very much. Thank you, Azhar. Thank you. I know you and I are in the same boat today. Came here and I'm on wall. Show ko wrap up bhi to karna. Kar rahe hain. Jahan se shuru kiya wahi pe end karna. Thank you. Came here and I'm on wall aur naal meethi lassi. Jo sari iski khwahishat hoti hain mere naam pe rakhe hain chala rahe hain. Aur ab Waseem, you are completely an absolute witness to this that every time he uses my name to do a वारदात. हमने बड़ी परसों रात फिश मंगाई, हल्के से वाइल्ड राइस मंगाए, वाइल्ड राइस अपने लो तो मिसबा ने मंगाया का अखवानी पुलाओ तो ना लेने तिके कला बंदा मैंने ज्यादा नहीं खाना आ गया थोड़ा नहीं उधर ने क्या नहीं उधर ने क्या नहीं कहते हैं मेरे स्नैक्स चले आपकी बात तो हम मान लेते हैं कि ठीक है आप हेल्दी खाते हैं लेकिन उठ के ग्लो ना हेल्दी हेल्दी है भाई हेल्दी हेल्दी है चलिए दोस्तों वी विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ व्हाटएवर इज इन स्टोर फॉर अस ड्यूरिंग द डे कीप वॉचिंग योर स्पोर्ट्स